हम लोग नगर निगम में टैक्स देते हैं, सब चीज़ देते हैं, लेकिन नगर निगम का कोनो सुविधा नहीं है जी, इसलिए हम लोग प्राइवेट व्यवस्था करके इसको साफ सफाई करवा रहे हैं। कल जब कोई बीमार पड़ जाए रुजितपुर में, सही से गाड़ी एम्बुलेंस ले जाना चाहे नहीं ले जा सकता है। नगर निगम से सूचना दिए हैं, बिजली का पोल जो हमारे घर के पास गिरा हुआ है और जो मोटा बड़ा वायर जो होता है वो लटका हुआ है। आज कटिहार नगर निगम के विरुद्ध बड़ी संख्या में लोग नारेबाजी कर रहे थे। इन लोगों का नगर निगम पर आरोप है कि नगर निगम ने उनके जीवन को नरक जैसा बना दिया है। यह लोग कहीं और के नहीं बल्कि कटिहार के रोजितपुर वार्ड नंबर 45 के निवासी है। इन लोगों का आरोप है कि कटिहार नगर निगम ने बड़े प्रोजेक्ट के नाम पर इलाके को बर्बाद कर दिया है। सड़क को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है, जिसके कारण यह पूरा इलाका पानी, कीचड़ और दलदल से लबालब हो गया है। लोगों का चलना भी दुश्वार हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह इस इलाके की प्रमुख सड़क है, जो रोजितपुर को चिलमारा, हपला, उदामा रेखा और परतेली आदि इलाकों से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि यह परेशानी सिर्फ रोजितपुर के लोगों को नहीं बल्कि परतेली और चिलमारा आदि के लोगों को भी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोग यह भी कहते हैं कि इस समस्या को लेकर कई बार नगर निगम को सूचना दी गई, लेकिन नगर निगम द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सड़क ध्वस्त हो जाने के कारण सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभे भी झुक गए हैं, जिसके कारण बिजली के तार लगभग जमीन से सट रहे हैं, जो कभी भी एक बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। स्थानीय लोगों ने हमारे संवाददाता गुड्डू शेख को बताया कि नगर निगम द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद मजबूर होकर हम लोगों ने अपने खर्चे पर एक निजी जेसीबी मंगाई, जिससे सड़क का कीचड़ साफ करने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों को चलने फिरने में कुछ आसानी हो। चिलमारा, परतेली और रोजितपुर को जोड़ता है और ये आगे हपला तक को जोड़ता है, यही सड़क मुख्य सड़क है। क्या दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत ये है कि हम लोग कीचड़ से जो है और रोड में मिट्टी डाल दिया गया है, नाला जो बना है ये नाला शुरू में ही बना है, जो कि रोजितपुर का जो नाला बना है ये शुरू में ही बना है, और लोग जो बाद में नाला बन रहा है उसका जो है पूरा व्यवस्था हो रहा है और साथ साथ उसका सफाई और काम किया जा रहा है, लेकिन ये पहले भी हुआ है लेकिन इसका विकास जो है अभी तक रुका हुआ है, एकदम लास्ट करके रखा है, और इसके दोनों तरफ मिट्टी डालना था जो मिट्टी नहीं है, रोड में जो पटरा रखा है वो पटरा एकदम जर्जर है जो दिख रहा है। ये था कीचड़ कहाँ से आया? ये कीचड़ जो है रोड पर मिट्टी डाला गया है। अच्छा, मिट्टी क्यों डाला है? तोड़ के रोड को जो बनाया तो रोड को फिर सुधार करके बनाना चाहिए, रबिट डालना चाहिए, तो मिट्टी डाला गया है, इसीलिए कीचड़ है। गाड़ी सुबह से जो है सारा गाड़ी फंस गया था, स्कूल का गाड़ी फंसा हुआ था और जो है स्कूल का खाना खाने वाला गाड़ी वो भी फंसा हुआ था, और जो है टोटो वगैरह सारा चीज़ फंसा हुआ है। हम लोग घर में ही हैं, आज कोई टू व्हीलर तक नहीं निकाले हैं, इसीलिए प्राइवेट व्यवस्था जी, इसीलिए हम लोग प्राइवेट व्यवस्था करके इसको साफ सफाई करवा रहे हैं और जेसीपी मंगवा के जो है अब काम करवा रहे हैं। नगर निगम से सूचना दिए हैं, बिजली का पोल जो हमारे घर के पास गिरा हुआ है और जो मोटा बड़ा वायर जो होता है वो लटका हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, और उस पर जो है हम 10 महीना पहले नगर निगम डिप्टी मेयर मंजूर खान के निगरानी में, जय साहब के निगरानी में अपने मकान के नीचे बैठे हुए हमने एक बात रखा था, तो जो भी हुआ जाने कि जो है 50 लोगों के सामने ये बात रखा था, तो बोला था कि जो है कल सुधार हो जाएगा, जो कि 10 महीना के बाद भी आजकल नहीं हुआ है। बिजली विभाग के लोग जी, बिजली विभाग जय साहब और ड्यूटी में मंजूर खान के सामने ये बात रखा गया था 50 लोगों के सामने, जबकि हम लोग नगर निगम में टैक्स देते हैं, सब चीज़ देते हैं, लेकिन नगर निगम का कोनो सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, जो कि नगर निगम वाला कौन के देखना चाहिए कि कहाँ पोल है, कहाँ लाइन नहीं है, कहाँ पर ये इतना विलम्ब 10 महीना मायने रखता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद समीर। देखिए सर, यहाँ एक साल से कटिहार का सबसे मुख्य नाला, जो बड़ी नाला गटर लाइन उसको बोल सकते हैं, जो यहाँ काम हो रहा है वो आज एक साल से हो रहा है, लेकिन अभी तक वो जो है फाइनल नहीं हो पाया, कहीं पे स्लेब डाला है ढक्कन,
कहीं पे नहीं डाला है, कहीं दूसरे जगह स्लेब बना के यहाँ ला के जो ढक्कन ऊपर से डाला है वो ढीलमिल हो रहा है। गाड़ी घोड़ा माने छोटी वाहन से लेके साइकिल से लेके बड़ी वाहन चार चक्का जो भी गाड़ी उड़ी जाता है उससे बहुत दिक्कत होता है। हमेशा लगता है कि गाड़ी पलटी हो जाएगा, गिर जाएगा। यहाँ तो ऐसा कोई नाला दिख नहीं रहा नहीं, आगे हम लोग का ये रोजितपुर अभी अंदर जाएंगे आप देखेंगे ठीक है, तो वहाँ अभी देखने के लिए मिलेगा। अभी ये सड़क से हम लोगों का मुख्य सड़क यही निकलने के लिए है वार्ड नंबर 45 का। ये रास्ता हम लोगों का जो है हफला बाजार जाना हो या फिर अपना कटिहार शहर सब्जी मंडी वगैरह कहीं भी जाना हो, ये टोटो से लेके रिक्शा या मोटरसाइकिल फोर व्हीलर जो भी गाड़ी है सब लोगों का मेन रूट यही है। किसान यहाँ बहुत सारा लोग है जो कि सब्जी उब्जी लेके भी जाते हैं। अभी सुबह से कितने लोगों का सब्जी गिर गया यहाँ, कीचड़ में बाइक लेके गिरे, उसके बाद खाना उना का गाड़ी भी फंस गया, दो घंटा अढ़ाई घंटा लेट अभी गाड़ी सब निकला है। तो हम लोग जो है ट्रैक्टर मंगवा के क्या बोलते हैं फोर व्हीलर पिकअप वैन मंगवा के जो है गाड़ी को टोर्चन करके निकलवाए हैं। उसके बाद देखिए अभी नाला बना के कंप्लीट किया है, आज लगभग मोटा मोटी एक महीना प्लस हो गया, लेकिन जो है आपका 12 तारीख को नाला का काम सिस्टम ख़त्म किया है, लेकिन बगल अगल में जो मिट्टी उट्टी डालने का काम है वो सब अभी नहीं किया ठीक है। हम लोग कई बार बोले इंजीनियर को, ये लोग जो भी लोग आते हैं सब लोगों को, वो लोग जो है आते हैं बोलते हैं हाँ ठीक है दुआ बा मट्टी भेजे थोड़ा मोरा इधर उधर जैसे भी से करवाए, उसके बाद जो है कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगर निगम नहीं सुनता है, नहीं नगर निगम का तो कोई आदमी अभी तक आया भी नहीं इधर देखने के लिए ठीक ना, कचरा उचरा भी नहीं उठाने के लिए आ रहा है। प्लस जो है देख रेख में अभी पोल कई जगह जो है ये हो गया गिर गया है नाला खोदने के टाइम में, वो सब पोल का सुधार नहीं हो रहा है। लाइट यहाँ पे जो है भेपर ऊपर जो है वो सब जो है वैसे ही पड़ा हुआ है, अंधेरा रहता है हमेशा, पानी कीचड़ अभी चार दिन से लगातार तीन दिन से जो बारिश हो रहा है। तो बारिश में मेरा नाम मोहम्मद बाबुल अंसारी कहीं नहीं, क्योंकि ये जो पहले जो था ना ये मतलब अलकतरा वाला रोड बना हुआ था और जो रोड मतलब जब तोड़ा गया नाला बनाने के लिए किसके द्वारा, ये नगर निगम के द्वारा जो गटर बन रहा है बड़ा वाला उसके प्रति थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आने जाने के लिए मुख्य सड़क है ये, जिसके कारण बच्चा पढ़ने के लिखने वाला हो सब्जी लेके जाता है इधर से, बहुत सारी बात है। कल जहाँ कोई बीमार पड़ जाए रुजितपुर में सही से गाड़ी एम्बुलेंस ले जाना चाहे तो नहीं ले जा सकता है, क्योंकि इस तरह से रास्ता बर्बाद है कि आप जहाँ फंस गए तो वहीं फंसे रह जाइए। ठीक नहीं किया नगर निगम, नहीं अभी तक तो कोई ऐसा कोई मतलब आश्वासन भी मतलब मिलता है लेकिन काम कुछ नहीं होता है। कितना समय हो गया, मोटा मोटी एक साल लगभग एक दो महीने आगे पीछे होने जा रहा है, उस समय से झेल रहे हम लोग इस परेशानी को। बरसात में थोड़ा ज्यादा समय, बरसात में तो समझिए कि बरसात दो दिन ही तीन दिन से हुआ है ना, तो हम लोग का मुश्किल से निकलना, बच्चा को स्कूल ले जाना मुश्किल हो गया है। आप आगे भी देखेंगे इतना रास्ता खराब है कि कल हम खुद बच्चा के लेके गिर गए थे स्कूल से ले जाने में, तब इसके लिए हम यही चाहेंगे नगर निगम जितना जल्द से जल्द हो सके इसके लिए थोड़ा ध्यान दें, इसको अपडेट करा दें ताकि बच्चा सबको स्कूल जाने का और बीमारी जो भी हो परेशानी तो हम लोगों को समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो जाए। क्या नाम है? मेरा नाम राजीव बादल है। स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर नगर निगम से यह मांग की है कि जल्द से जल्द इस इलाके की समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।